लुइस रेमिरेज मिस्त्रे, जिसे कोलंबिया में एल एसेसिनो दे लागा सोगा के नाम से भी जाना जाता है, ने अपने देश के विभिन्न शहरों में कम से कम 30 मोटरसाइकिल टैक्सी ड्राइवर को मार डाला। उसने उन्हें तब तक प्रताड़ित किया जब तक कि वे मर नहीं गए। इसे 2012 में 34 साल जेल की सजा सुनाई गई। रेमिरेज 19 से 30 वर्ष के आयु के बीच के मोटरसाइकिल टैक्सी ड्राइवर को ही मारता था और यह भी सुनिश्चित करता था कि कोई भी हाइट में 1.70 मीटर से अधिक का ना हो या वजन में 60 किलो से अधिक का ना हो। ऐसा वो इसलिए करता ताकि वो उसे आसानी से काबू में कर सके। यह उसके रणनीति का हिस्सा था। इस हत्यारे ने व्यक्ति पर भरोसा कायम करने के लिए अपने करिश्मे का फायदा उठाया करता था और पीड़ितों को मोटरसाइकिल टैक्सी में उसे शहर के बाहरी इलाकों में ले जाने के लिए कहता। ये वो जगह होती जो इसने पहले से सुनिश्चित कर रखी होती थी, क्योंकि वो बाइक के पीछे बैठा होता था। जैसे ही वो बताए हुए जगह पर पहुंचता, वैसे ही वो राइडर के पीछे से उसके गले को तब तक दबा के रखता जब तक वो बेहोश ना हो जाए। वो ध्यान रखता कि वो मरे ना, बस बेहोश हो। तुरंत वो अपने बेहोश शिकार को घसीटते हुए चुने हुए क्षेत्र की ओर ले जाता जहाँ बड़े पेड़ होते जो उसके भयानक उद्देश्य के लिए उपयुक्त होते। वो उनके हाथ और पैरों को पेड़ों से बांध देता और उन्हें हवा में लटका देता ताकि वह जमीन को छू नहीं सके। एक बार मोटरसाइकिल टैक्सी चालक होश में आ जाते, उसके बाद वह उनके गले में एक और फंदा डालकर एक ऊंची शाखा से लटका देता। पीड़ित खुद को फांसी से बचाने के लिए मजबूर होकर अपने हाथ का सहारा लेते और रस्सी को कस के पकड़ते ताकि गर्दन पर रस्सी का जोर न लगे। विशेषज्ञों के अनुसार पीड़ित एक दिन तक अपने हाथ को ढीला ना करने के लिए संघर्ष कर सकते थे, लेकिन अंत में शरीर का वजन उन पर हावी हो जाना था और हाथ का जोर कम होते ही दम घुटने से उनकी मृत्यु हो जाती थी। उस पूरे समय के दौरान रेमिरेज मोटरसाइकिल टैक्सी ड्राइवर के सामने बैठा देखता रहता। उसे तड़प के मरते हुए लोग देखने में आनंद आता। एक बार व्यक्ति के मर जाने के बाद वह हत्यारा उनका सामान और मोटरसाइकिल चुरा लेता, जिसे वह आसानी से बेच दिया करता था। कुछ मामलों में शवों को वह दफना देता, जबकि अन्य मामलों में वह उन्हें वहीं छोड़ देता था। मारे गए मोटरसाइकिल टैक्सी चालकों में ड्यूविन मॉरिन जेम्स भी था, जिसके लापता होने के 4 दिन के बाद उसका शव कोलंबिया के ट्रेनरिफ के एक फुटपाथ पर पाया गया। अब रेमिरेज रोप मर्डर के नाम से कुख्यात होने लगा था। रोप मर्डर के पीड़ितों में से एक लुइस अल्फ्रेडो था, जो कुआत्रो बेकॉस में पाया गया था। कई नाम और भी हैं जिनके सब मिले और सारे ही मर्डर्स में इसी का नाम आ रहा था। पुलिस जो उन अपराधों की जांच कर रही थी, आखिरकार उन्होंने उसे खोज लिया। अधिकारियों को पता चला कि मारे गए मोटरसाइकिल टैक्सी ड्राइवरों में से एक के पास एक हाई एंड सेल फोन था, जो एक रिश्तेदार द्वारा गिफ्ट की गई थी। पुलिस ने उस फोन की मदद से उसके लोकेशन को ट्रेस किया और अंत में उसे पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद उसके घर की तलाशी ली गई, जहाँ पीड़ितों के कई सामान मिले। प्रोसिक्यूटर्स ने कार्यालय में उस पर संगीन हत्या, यातना और संगीन चोरी अपराधों का आरोप लगाया। रेमिरेज ने आरोप को स्वीकार कर लिया, जिस कारण उसे जेल में बंद कर दिया गया। यह हत्यारा वलेदुपर जेल में बंद, जहां से उसे 2032 में परिवीक्षा पर रिहा किया जाएगा, जब वह जेल में 20 साल पूरे कर लेगा। यातना के एक परिष्कृत तरीके को उपयोग करते हुए लुइस रेमिरेज मिस्त्रे, जिसे रोप मर्डर के रूप में जाना जाता है, ने देश के 5 हिस्सों में कम से कम 60 मोटरसाइकिल टैक्सी ड्राइवरों की हत्या की। उसके आखिरी शिकार का सेलफोन, जिसे उसने चुराया था, उसने पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।